नमस्कार, आप सबका स्वागत है। भारत को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान कपिल देव को भी टीम से बाहर होना पड़ा था। जून 1983 में टीम इंडिया चैंपियन बनी थी। इसके एक साल बाद दिसंबर 1984 में कपिल देव को टीम से बाहर होना पड़ा था। ऐसा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान हुआ था। इसी इंसिडेंट के बाद भारत के दो दिग्गज क्रिकेटर्स सुनील गावस्कर और कपिल देव के बीच विवाद सामने आया था। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज खेल रही थी। इसमें उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज का चौथा टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन ग्राउंड पर होना था। इससे पहले ही कपिल देव को टीम से निकाल दिया गया। इसके पीछे सुनील गावस्कर का हाथ होने की बात सामने आई। तब गावस्कर टीम के कप्तान थे। दरअसल इससे पहले दिल्ली में हुए तीसरे टेस्ट में कपिल देव ने कुछ ऐसा किया था जिससे सिलेक्टर्स उनसे नाराज हो गए थे। कपिल देव और सुनील गावस्कर के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। 1984 में हुए इसी इंसिडेंट को माना जाता है जब कपिल देव टीम से बाहर कर दिए गए थे। 2016 में गावस्कर ने एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलासा करते हुए खुद को पूरे विवाद से दूर बताया था। उन्होंने कहा था, हारती हुई सीरीज में कोई भी कप्तान अपने स्टार खिलाड़ी को बाहर करने जैसा काम नहीं करेगा। गावस्कर के अनुसार दिल्ली टेस्ट के आखिरी दिन कपिल बैटिंग करते हुए बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हुए थे, वो भी तब जब टीम मैच बचाने की कोशिश कर रही थी। अच्छे बैट्समैन के इस तरह आउट होने से नाराज सिलेक्टर्स ने कपिल को कोलकाता टेस्ट से ड्रॉप करने का फैसला लिया था। गावस्कर ने ये कहा था कि वो भविष्य में उस सिलेक्टर के नाम का खुलासा कर सकते हैं जिन्होंने कपिल को उस टीम से निकाला था। गावस्कर के अनुसार वो सिलेक्टर न सिर्फ कपिल को टीम से निकालने चाहते थे बल्कि उनकी मैच फीस भी कटवाना चाहते थे। हालांकि लंबे समय से माना जाता था कि गावस्कर और कपिल देव के बीच मनमुटाव का ये बड़ा कारण रहा है।